हमारी नियुक्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। अमेरिका शासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेरिका शासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पास मंत्री हाय हाय, हाय हाय, पास मंत्री हाय हाय। जो दो साल की कोर्स है जो हम लोग किए हैं उसका कोई महत्व नहीं है। जो तीन महीने में कोर्स करके आया है वो डॉक्टर बन गया है। आँख नहीं नहीं, आँख का इलाज जो है सर्जन आके कर देगा। आँख का इलाज सर्जन आके करेगा, ओटी असिस्टेंट नहीं करेगा, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट सर्जन आएगा। ये लिखा गया अमंगल पांडे जी, अमंगल पांडे उनको हम लोग बोलते हैं, आज से नहीं पारा। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा, वैसे वो बहुत काबिल मंत्री हैं, उनको सोशल मीडिया के अलावा। हाँ ना, ना पहले हमको पूरा कहने दीजिए। एनजीओ चलता है, सुनो, उसके बाद में कोई जॉब करने वाला है जानता है क्या होता है नौकरी? वो तो एनजीओ चलाता है, उसकी बीवी एनजीओ चलाती है तो उसका पेट भरता है, कमीशन उसका चलता है। तुम बोल रहे हो स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग भी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और मैं हूं अंकित भारद्वाज। आज हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास खड़े हैं और यहां पर पारा मेडिकल छात्र का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि अभी प्रोटेस्ट तो ऐसा कह सकते हैं पूरा भारत अभी प्रोटेस्ट में काफ़ी सुर्खियों में रहता है। कभी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है, बिहार पुलिस को लेकर के, बिहार दरोगा को लेकर के, कभी NTPC को लेकर के, और कभी कुछ ना कुछ लेकर के। और ख़ास करके बिहार तो खाली फेमस हो गया है कि कभी ट्रेन जला रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट लोग। अभी फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवाओं के पास खड़े हैं और यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के वह यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग मतलब क्या, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की जो मांग है, जो वैकेंसी आया था, देखिए हम लोग 16-18 बैच के हैं, 3 साल वैकेंसी ऐसे लेट करके पहले तो वैकेंसी देते हैं और वैकेंसी के नाम पर राजनीति करते हैं बैठ के। अभी 4 साल वैकेंसी में लगाएगा, फिर बोलेगा कि कोई इसको प्रॉब्लम कर दिया, स्वास्थ्य विभाग से यहाँ, यहाँ से वहाँ करते रहता। जब टाइमिंग आता है लास्ट में राजनीति करने का, तभी वैकेंसी क्लियर करेगा। उसमें भी स्किल डेवलपमेंट वाले लोग को दे दिया है, उसमें ना ही हम लोग का सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट थोड़ा सा भी मैच नहीं करता है। और स्किल डेवलपमेंट वाले का मार्क्स इतना ज़्यादा रहता है, आप देख लीजिएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। मेन मकसद जो होता है इसमें, जो भी बाहर से आने वाले हैं सबको अंदर घुसाना, और बाहर से आएगा तब तो इनकम आएगा। अच्छा, बाहर से आ रहे हैं और इनकम आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों का क्या मतलब, किस चीज को लेकर? सबसे पहली बात, आप जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप नियमित प्रशिक्षित हुए हैं, उस जगह नहीं प्रशिक्षित, नियमित प्रशिक्षण को आप प्रावधान नहीं देके आप स्किल डेवलपमेंट वाले को दीजिएगा, तो आपको क्या लगता है कि स्किल डेवलपमेंट वाले जो इंडस्ट्रियल एरिया से प्रशिक्षण लेके आएगा, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ प्रशिक्षित होंगे? आपको लगेगा? तो उसमें यही है कि आप कुछ दे के आइए और अपना स्थान पाइए, मतलब उस लेकर के। देखिए, एक ही बात समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आप ही समझिए ना, जो आदमी जीव विज्ञान नहीं पढ़ेगा, अपना आसान भाषा में, जो आदमी 12वीं में बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा और उसको आप नियुक्त कर लीजिएगा, तो आदमी क्या इलाज करेगा? क्या शरीर का ही किसी पार्ट का उसको नाम नहीं पता रहेगा, वो आपको क्या बताएगा कि शरीर में कौन बीमारी हो गया है? यहाँ पर इतना ज़्यादा धांधली होता है। ये जो हमारा साथी जो अभी बताया कि वैकेंसी 3 साल लेट से आता है, ये 1996 के बाद कभी वैकेंसी आया ही नहीं। 1996 से बस प्राइवेट हमारे साथी कर रहे थे ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की, उसकी वैकेंसी 1996 के बाद कभी हुई नहीं। पूरे बिहार में मात्र अभी 75 नेत्र सहायक ही काम कर रहे हैं और 236 जो है जिसका वैकेंसी आई है, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट, जो कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, जो जीव विज्ञान का जो नहीं जानता है, डॉक्टर बना हुआ है, जो जीव विज्ञान का जो नहीं जानता है, उसको सरकार उसको बहाल करने जा रही है। तो जब हम लोग उस पर सवाल करते हैं कि ऐसे लोगों को हटाया जाए, तो वो कहते हैं कि सरकार नियमावली में रखी है कि हमको ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का डिग्री चाहिए। भाई, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का डिग्री चाहिए ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया होता है उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ टीम से मिलान कीजिए, अगर वो मैच करता है तब। और दूसरी बात कि जो विज्ञापन यहाँ पे ओटी असिस्टेंट पूरे बिहार में मात्र अभी जो पोस्टेड हैं, मात्र 181 ओटी असिस्टेंट हैं, मात्र 171 एक्सरे टेक्नीशियन हैं, जबकि ड्रेसर मात्र 40 है पूरे बिहार में। अस्पताल का संख्या लगभग 12,000 है, सभी मेडिकल कॉलेज और PHC CHC APSC को जोड़ दीजिए।
तो ऐसे में ऐसे ऐसी परिस्थिति में बिहार में लगभग 10,000 नियमित कर्मी पैरामेडिकल कर्मियों का पद के लिए विज्ञापन BTSC को भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से उसमें अनुमोदन मिल चुका है। उसके बाद जब विज्ञापन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार की जाती है तो BTSC चेयरमैन का कहना है कि हमने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सहमति पत्र भेजा है विभाग को। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पर आए थे लेटर नंबर मांगने के लिए। देखिए उस वही जो सहमति पत्र ये भेजे हैं कि सहमति वहाँ से दीजिए तो हम विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। हम लोगों का कहना है कि हम आज आपसे मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि एक आदमी आते हैं तो आप मिलना नहीं चाहते हैं, दो आदमी आएंगे तो मिलना नहीं चाहिएगा। जब तक भीड़ ही नहीं होगी आपका अपना चेयर छूटता नहीं है अपने आपके पीछे। यहाँ पर क्या होता है कि एक लोग आएंगे तो मिलना नहीं चाहेंगे और जब ज्यादा लोग आएंगे तो भीड़ इकट्ठा क्योंकि अब और नहीं मिलेंगे। ये सब स्टूडेंट खास करके पारा मेडिकल का जो स्टूडेंट होते हैं उनको जब हम लोग जब स्वास्थ्य सेवा को लेकर के इस तरह से विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं जो भी डॉक्टर हैं वो जब प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे अस्पताल में कौन सेवा करेगा। ये हमारी सरकार जो हमारा जो बिहार का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो जो सच्चे कार्य करने वाले होते हैं जो सच्चे कर्मवीर कहलाते हैं उनको रोड पर उतर के खड़ा रहना पड़ता है। IAS में लेटर एंट्री ले आई है सरकार। अब स्वास्थ्य विभाग में भी ये स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एक तरह से समझिए लेटर एंट्री लेके आ गया है। हम लोगों का एक ही समस्या है कि जब तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा एक आदमी नहीं हजार आदमी के साथ आपके पास आएंगे और जरूरत पड़ा तो आपका जो चेयर है ना वो चेयर अभी क्या बोले आप लोग अंदर बात के तो क्या बोले। देखिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन टू बी परफेक्ट, ठीक ना। और अभी अभी क्या हो रहा है, तीन महीने का कोर्स किया कराया गया था भारत सरकार के तरफ से स्किल डेवलपमेंट का, जो पूरे इंडिया में चर्चा का विषय था, सब कोई जानते होंगे। और ये बताइए यहाँ दो दो साल तीन तीन साल से जो स्टूडेंट प्रैक्टिस किया है PMCH में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, पटना मेडिकल कॉलेज में, नालंदा मेडिकल कॉलेज में, इतने देश सॉरी राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में, उन लोगों का स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये तीन महीने में करा दिए, तीन महीने वाला डॉक्टर बन जाते हैं वो डॉक्टर हो गए। जो पढ़ाई कर रहा है जो सरकारी मेडिकल संस्थान से कर रहे हैं उन लोग बस खा चिले अपना अपना घर में। सुनिए जो दो साल की कोर्स है जो हम लोग किए हैं उसका कोई महत्व नहीं है। जो तीन महीने में कोर्स करके आया है वो डॉक्टर बन गया है। आँख नहीं नहीं आँख का इलाज जो है सर्जन आके कर देगा, आँख का इलाज सर्जन आके करेगा, OT असिस्टेंट नहीं करेगा, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट सर्जन आएगा। स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्री मंगल पांडे जी, आप मंगल पांडे, इनके द्वारा ट्विटर पे ये लिखा गया अमंगल पांडे जी, अमंगल पांडे है उनको हम लोग बोलते हैं। आज से नहीं, पारा मेडिकल के प्रति उसका जो रवैया है ना शुरू से खराब है, हमेशा सतोला रवैया रहा। आज से नहीं, हम लोग का सेशन भी विलम्ब चल रहा था, दो साल का जो कोर्स था वो कोर्स चार साल में कंप्लीट हो रहा था। हम लोग पूरे आंदोलन किए, जन जन आंदोलन के, तब जाकर हम लोग का वो क्या कहते हैं अकेडमिक कैलेंडर बना। और ये बहाली अभी आपको बता दें कि चार सप्ताह पहले स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अपने ट्विटर से लिखा गया कि पूरे बिहार में पैरामेडिकल का OT असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन इसी टेक्नीशियन अन्य पद पर जो बहाली है दो सप्ताह के बाद निकाला जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। देखिए अभी हमको लगता है चार सप्ताह से ज्यादा हो रहा है, कोई अच्छा, जानकारी नहीं भी आगे आप लोग अभी क्या करने वाले हैं। जैसे देखिए सुनिए ध्यान से मिलने का प्रयास करेंगे। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा, वैसे वो बहुत काबिल मंत्री हैं, उनको सोशल मीडिया के अलावा पहले हमको पूरा करने दीजिए। जानता है क्या होता है नौकरी, वो तो NGO चलाता है, उसकी बीवी NGO चलाती है तो उसका पेट भरता है, कमीशन उसका चलता है। तुम बोल रहे हो स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग भी चाहते हैं कमीशन देंगे मंत्री जी को, ठीक है कमीशन दीजिए। हाँ हम लोग चाहते हैं, हम लोग जान का बलि देने के लिए तैयार। वो चाहते हैं कि बच्चा सुसाइड करे जब तक बच्चा डेली बहाली दे रहा है कि अगले सप्ताह। देखिए सुनिए मुद्दा यह है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं, सड़क पे हैं, डिग्री करके बैठे हुए हैं, परेशान हैं, रोज रोज हम लोग आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा सुसाइड करे तब जाके विज्ञापन निकाला जाएगा और भर्ती दिया जाएगा। हमारा मांग है, हम मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं, ध्यान दीजिए अपने बच्चों के, बिहार के बच्चे हैं, हमारा हक है,
आप हमें हमारा जो हक है दीजिए, अति शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करवाइए, नियुक्ति दीजिए। और बिहार के तमाम आम आवाम से ये आग्रह करेंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है इस बातों को ध्यान देने का, क्योंकि अस्पताल में अगर स्टाफ नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, आपके अपने बच्चे का परेशानी होगी, आपके सभी लोगों को परेशानी होगी। इसका जाने पर सौती वाला हाल नहीं है कि जो बाँझ है उसको दर्द ही नहीं है, बच्चा कैसे होता है? तो जितने मिनिस्टर हैं ना और जितने पदाधिकारी हैं, उसका कोई बच्चा पैरामेडिकल में पढ़ता ही नहीं है, तो वही बात। हमारे देश के बच्चे, हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी आपकी है, आपका ही कार्य है यह कि इन बच्चों को एक अच्छा जॉब मिले। अच्छा जॉब भी नहीं मिले, जो इनका हक का जॉब है वो कम से कम इनको मिले। आप लोगों का कुछ बड़ा मांग नहीं है, इन लोगों का कुछ बड़ा मांग नहीं है, बस जो इनका हक है बस वो इनको दिलवा दीजिए। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।